कोरोना संक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को गोरखपुर में पहली बार 24 घंटे के अंदर 217 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें शहर के 155 मरीज शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इस बीच दो संक्रमितों की मौत भी हो गई है। ज़िले में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 1477 है। अब तक 54 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 948 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तक ज़िले में मिले कुल संक्रमितों की संख्या 2479 है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में सदर तहसील क्षेत्र में 155 नए कोरोना संक्रमित मरीज सहित ग्रामीण क्षेत्र में कैंपियरगंज, खजनी और पाली में एक एक मरीज, बांसगांव, कौड़ीराम और बढ़लगंज में दो दो मरीज, जंगल कौड़िया में तीन मरीज, चरगावा, गोला, पिपराइज, पिपरौली और सैजनवा में चार चार मरीज, खोराबार में पाँच और गगहा में छः मरीज सहित अन्य 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि नए कोरोना संक्रमित पाए गए मरीजों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उन जगहों को सील कर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है, साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।